गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम जे के भारद्वाज एंड वेलकम टू द भारद्वाज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि अगर कोई एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, अगर वो रखा हुआ है तो वो कहाँ कहाँ तक दूसरे चार्ज पर, लेट दिस इज द क्यू टू, इस वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगा सकता है। तो लेट दिस इज द डिस्टेंस वेयर इट कैन एग्जर्ट ए फोर्स, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ दिस चार्ज कम्स टू दिस पॉइंट देन इट विल एग्जर्ट फोर्स, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ दिस फोर्स विल बी म्यूचुअल फोर्स। सो फॉर दिस वी हैव टू कंसिडर दिस चार्ज क्यू टू मस्ट बी सम चार्ज दैट हैव इट्स ओन फील्ड नेग्लिजिबल। इसका जो अपना फील्ड है वो नेग्लिजिबल होता है। इस तरह जो इस पर फोर्स रहेगा सिर्फ इसका फोर्स रहेगा, दिस फोर्स विल बी ड्यू टू दिस चार्ज। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। So let this charge is placed in this, so it will force radially, it will force radially. So this is the R. So electric field is the space around any charge which can produce electric force on another charge. Clear? So mathematically इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ई मे बी इक्वल टू एफ इफ क्यू नॉट हैव नेग्लिजिबल फोर्स, ठीक है। तो द फोर्स विच एग्जर्ट्स बाय ए पॉइंट चार्ज विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। How intensely it is exerting force on another charge? How exerting intensely force on another charge? अगर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन, एफ मीन्स न्यूटन अपॉन कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी मींस इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? तो इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जहां जहां फोर्स होगा वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो डायरेक्शन कहाँ होगी? इसकी डायरेक्शन अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? तो डायरेक्शन विल बी अलोंग इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ सेकंड टॉपिक, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो डायपोल क्या होता है? कैपेसिटी में हमने पढ़ा होगा, एक ऐसा सिस्टम विच हैव टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो लेट दिस इज द क्यू वन एंड दिस इज द क्यू टू, बोथ चार्ज आर कनेक्टेड बाई ए नॉन कंडक्टिंग सबस्टेंस सो दैट चार्ज कैन नॉट फ्लो। तो मेन कंडीशन क्या है कि Q1 इक्वल टू Q2, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? सेम होगा, बट पोलरिटी क्या होती है? अपोजिट। सो माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। अगर इन दोनों चार्ज को एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस पे सेपरेट कर दें हम, तो इनकी जो बीच का सेपरेशन है दिस इज लेट 2a, so this point will be O, so this will be A and this will be also A, so this is the dipole. So a system which have two equal opposite charges separated by a very small distance is called electric dipole. अब इसकी जो property है इस chapter में बहुत ज़्यादा important होती है। Electric dipole को हम strength कैसे पहचानते हैं? अगर कोई dipole है तो इसका मतलब क्या है कि dipole की property क्या हो सकती है? तो जो इसकी main property आती है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल
मोमेंट। तो इसका काम क्या है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। इट इज द पी इक्वल टू आइदर चार्ज प्लस एंड माइनस मे बी बोथ एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। सो पी इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दिस मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी रिएक्शन कहाँ होगी ये हमें बहुत देखना पड़ता है। इसकी रिएक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। तो अलोंग दिस लाइन, अगर आपका डाइपोल का अलाइनमेंट उल्टा कर दे, प्लस क्यू आप यहाँ लें और यहाँ पे क्या लें माइनस क्यू, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी आप इस तरह। तो दिस इज द पी कैप मीन्स डायरेक्शन इसकी। अब यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट्स कूलाम एंड दिस इज द मीटर। तो कूलाम मीटर, इट इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट्स। क्लियर। नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं इसमें, जो बोर्ड्स में और बाकी जगह भी आते हैं, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब लेट ये अगर हमारे पास डायपोल रखा हुआ है, इसका अलाइनमेंट इस तरह है, ये बीच का सेपरेशन क्या है 2a, और दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द ओरिजिन। अब हम अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो तरफ निकालते हैं। कह सकते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका कहाँ हो सकता है, तो पहला जो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस और एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। इसका मतलब क्या है कि जहां डाइपोल लगा गया उसी एक्सिस में, अगर हमारा डाइपोल एक्स में रखा हुआ है तो एक्स में निकालेंगे, वाई में रखा हुआ तो वाई में, जेड में रखा हुआ तो जेड में। तो लेट दिस इज द डिस्टेंस, लेट आर एंड दिस इज द पॉइंट पी, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। तो P पॉइंट पर हमेशा हमें क्या मानना होता है कि Q नॉट, एक चार्ज रखा हुआ है Q नॉट, जिसका अपना फील्ड नेग्लिजिबल है, उसका जितना भी फील्ड लगेगा इसकी वजह से लगेगा, ठीक है ना। तो लेट अगर हम निकालते हैं इस प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको हमने क्या माना, लेट दिस इज द E1, तो इसका फोर्स कहाँ होगा रिपल्सिव, तो रिएक्शन भी कहाँ होगी इसकी रिपल्सिव अलोंग दिस लाइन। लेट दिस इज द A एंड दिस इज द B, तो अगर हम इस लाइन को जोड़ते हैं यहां से तो क्या हो जाएगा अलोंग बीपी, अलोंग बीपी। एंड अगर हम निकालते हैं माइनस क्यू की वजह से, तो दिस विल बी फोर्स कैसा होगा इसका अट्रैक्टिव, तो दिस विल बी अलोंग पी, अलोंग पी। क्लियर है। तो लेट ड्यू टू प्लस क्यू, तो हमने क्या माना है इसको ईवन, तो ईवन क्या आएगा के, ईवन क्या आएगा K Q अपॉन R, तो दिस इज द R, दिस इज द R। अब हमें जो है R लेना है, तो दिस डिस्टेंस विल बी R, अगर हम इसको कह रहे हैं R, तो दिस विल बी R1 का स्क्वायर। अब R1 कैसे निकालेंगे, तो हमें दिख रहा है कि डायमेट्रिकली, अगर हमारे पास जो डायग्रामेटिकली हमें क्या दिख रहा है कि जो R1 है वो क्या हो जाएगा R माइनस ए। अगर इस डिस्टेंस में से हम जरा से डिस्टेंस ही रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा ये R माइनस ए, तो दिस इज द R1। तो E1 क्या हो गया K Q अपॉन R1 का स्क्वायर। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका अलोंग BP, अलोंग BP, या कह सकते हैं दिस विल बी इन I कैप, मीन्स अगर हमने क्या माना है इसको X में माना है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा E2, तो K Q अपॉन R2 का स्क्वायर। अब R2 क्या आएगा हमारे पास, R2 आएगा R प्लस A, ओके। तो इसके एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, E1 क्या हो जाएगा K Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर एंड E2 विल बी K Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। दिस विल बी I कैप एंड दिस विल बी माइनस I कैप। क्लियर। अब हम निकालते हैं इसके ऊपर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा।
अब देखो हमारे जो फोर्स है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे लगेगा, वो लगेगा जहां भी देखने वेक्टर के लिए हम देखते क्या देखते हैं, तो क्या लगेगा ई वन माइनस ई टू, ई वन माइनस ई टू, या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो नेट फोर्स है दोनों का सम होगा। अगर हम दोनों का सम करेंगे तो ई वन क्या है आपका पॉजिटिव और ई टू क्या है नेगेटिव, तो नेट फील्ड क्या होगा ये। और जब एक्सप्रेशन को हम लेते तो क्या रहेगा हमारे पास के क्यू को हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा वन अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर और माइनस वन अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, और डायरेक्शन कहाँ गया इसकी आई कैप में। सिंपल है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा के क्यू, अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या बनता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा आर प्लस ए का स्क्वायर और माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, और ये क्या होगी इसकी डायरेक्शन। क्लियर। अब इसके बाद यदि इसको और आगे सॉल्व करते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो नाउ अगर हम इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको तो हमें क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट सिंपल मैथमेटिकल है। तो ई क्या होगा हमारे पास के क्यू, अब देखो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर एंड ए स्क्वायर का कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा टू ए आर और टू ए आर, यहाँ पे क्या बचेगा फोर इंटू ए इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अलॉन्ग आई के। क्लियर। अब देखो हमने पढ़ा था कि डायपोल मोमेंट, तो हमें इसको एक्सप्रेशन को लेना है डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग, तो लेट पी क्या है हमारे पास क्यू इंटू टू है, तो हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया तो के क्यू इंटू टू ए इंटू टू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो दिस विल बी पी, तो ई क्या हो जाएगा हमारे पास के पी इंटू टू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस विल बी अलॉन्ग आई कैप। अगर हमें इसका न्यूमेरिकल्स निकालने तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, बट अगर हम इसको थोड़ा सा एज्यूम करते हैं कि डायपोल क्या है हमारे पास बहुत छोटा है, तो बीच का जो सेपरेशन है वो छोटा है और डिस्टेंस जो है ये क्या है बड़ी है, तो आर क्या है बहुत बड़ा है ए से, तो हम नीचे वाले टर्म्स को क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट, तो हमारे पास ई क्या आ जाएगा के पी ए आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ टू, तो टू पी अपॉन और यहाँ पे क्या बचेगा आर का फोर, एक आर कैंसिल क्या बचेगा आर की पावर थ्री, दिस इज द अलोंग दिस, तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन। अगर हम इसको और ज्यादा खोलते हैं तो क्या मिलेगा हमें, अगर हम इसको और ज्यादा खोलते हैं तो हमें क्या मिलेगा वी कैन रिप्लेस के, क्योंकि बोर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें इसको एक्सप्रेस करना है, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपॉन आर क्यू एंड दिस विल बी द आर कैप कह सकते हैं, और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी आई कैप में, तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सएल लाइन, तो वी कैन से दिस इज द एक्सएल लाइन। क्लियर। अब देखो डायरेक्शन कहाँ दिख रही है हमें इसकी, तो डायरेक्शन कहाँ रही है इसकी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है कि अब डायपोल पी की डायरेक्शन कहाँ पर है, दिस विल बी द माइनस टू टू पॉजिटिव, तो ये क्या है अलोंग डायपोल मूवमेंट, तो डायरेक्शन क्या आएगी इसकी अलोंग पी, डायरेक्शन कहाँ आएगी इसकी अलोंग पी। क्लियर। अब इसके बाद जो हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं सेकेंड, दिस विल बी द फर्स्ट एट एक्सेल पॉइंट, अगर हम इसका निकालते हैं सेकंड, तो आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ओके, अब हम निकालेंगे कि डायग्राम को थोड़ा चेंज करेंगे, अब जो हमारा पी पॉइंट है वो कहां पे रखा गया है, वो रखा गया है इक्विटोरियल लाइन पर, मींस डायपोल से डायपोल को यदि हम जो है बनाते हैं माइनस क्यू दिस इज द प्लस क्यू दिस इज द पॉइंट ओ, तो दिस इज द बाइसेक्टर पॉइंट, अगर हम यहां से क्या ले रहे हैं एक आर डिस्टेंस लिया और अब यहां पे क्या रखा हुआ है पी पॉइंट, तो अब हम कहां निकालेंगे इसको ऑन द नॉर्मल टू द बाइसेक्टर, नॉर्मल टू द बाइसेक्टर पॉइंट, ये बाइसेक्टर पॉइंट लिखा होता है या लिखा होता है एट इक्विटोरियल लाइन। क्लियर है। सो अगर हम इसके बीच की लाइन को जोड़ते हैं तो दिस विल बी द
आर वन एंड दिस विल बी द आर टू, दिस इज ए एंड दिस इज ए। तो हमारे पास आर वन इक्वल टू क्या आएगा, आर टू और कितना आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर वन बराबर क्या आएगा आर टू का स्क्वायर और कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सिमिलरली लेट, जैसे हमने पहले माना था कि लेट प्लस क्यू से हमने क्या माना इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन माना। अब क्योंकि इसका फोर्स कहाँ होगा अलोंग रिपल्सिव, तो फोर्स क्या हो जाएगा इसका रिपल्सिव। तो लेट दिस इज द ई वन एंड दिस इज द नेगेटिव, तो फोर्स कैसा होगा इसका अट्रैक्टिव। तो डायरेक्टिविटी क्या हो जाएगी फील्ड की अट्रैक्टिव। तो दिस विल बी अलोंग ए, अगर लेट दिस इज ए एंड दिस इज बी तो दिस विल बी अलोंग बी पी एंड दिस विल अलोंग पी ए, ठीक है। और हमें दिख रहा है कि दोनों जो है E, दोनों का R क्या है सेम है, दोनों का Q क्या है सेम है। तो एक्सप्रेशन जो आएगा E1 कितना आएगा K Q अपॉन R1 का स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन मान सकते हैं। एंड E2 क्या आएगा हमारे पास K Q अपॉन R2 का स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड एक्सप्रेशन। अब देखो दोनों की वैल्यू क्या आनी है सेम आनी है, तो जो इसका मैग्नीट्यूड है E1 का बराबर क्या आएगा E2 के, और कितना आ जाएगा K Q अपॉन, दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं हमारे पास के R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करते हैं तो ये किसी एक पॉइंट पे लगा हुआ है। अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा और बनाते हैं एक्सपेंड करते हैं तो दिस विल बी समथिंग दिस, तो दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द E1 एंड दिस इज द E2, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमने यहाँ देखा ये क्या है ओरिजिन है आपका, तो वी कैन से दिस इज द E1 साइन थीटा और क्या लिखेंगे इसको J कैप, एंड दिस इज द E1 कॉस थीटा और माइनस I कैप, एंड दिस इज द E2। तो यहाँ पे क्या आएगा E2 साइन थीटा माइनस जे कैप एंड दिस विल बी अलोंग ई टू कॉस थीटा माइनस आई कैप, क्लियर है। वेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम थोड़ा इसको देखो, ये एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो यहाँ पे आप एंगल सेम मान सकते हैं, तो क्या बनेगा दिस दिस का। अब देखो दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो दिस फोर्स विल बी कैंसिल आउट एंड नेट फोर्स जो बचेगा इसके बाद जो फील्ड बचेगा वो क्या बचेगा दिस विल बी, ठीक है। तो जो हमारा ई आएगा एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, तो ई कितना आएगा हमारे पास, दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। तो लेट ई वन मान लिया हम, इसको ई वन को ई टू मान सकते हैं, ई टू को ई मान सकते हैं, क्या आ सकता है हमारे पास टू ई वन कॉस थीटा, आप इसको ई टू मान सकते हैं, और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी माइनस आई के, क्लियर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है टू इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें क्या निकालनी है कॉस की वैल्यू, तो अब ट्रायंगल के अंदर देख सकते हैं कॉस क्या होता है हमारे पास में, तो सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास में ए अपॉन आर वन, आर वन क्या है हमारे पास रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास टू क्यू टू के इंटू क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, तो दिस इज द पावर वन एंड दिस इज द पावर हाफ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में टू के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। अब डायरेक्शन क्या आ रही है इसकी माइनस आई के, क्लियर है। आप इतने का इसकी शॉर्ट ले सकते हैं, ओके। अब देखो इसके बाद हमने क्या किया इसको, अब हमें देखना है कि इसका एक्सप्रेशन थोड़ा एक्सपेंड करना है। तो जैसे हमने पहले किया था सिंपल है दिस विल बी द पी, तो ई क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो ई इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू, और यहां पे क्या आएगा माइनस आई कैफ। इफ कब आएगा कि हमारे पास जो आर है वो बड़ा क्या है ए से, आर क्या है ए से, तो ए को हमने ऐड कर दिया तो क्या बचेगा आर की पावर थ्री, ठीक है। तो वी कैन से दैट दिस इज द ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल पॉइंट, तो के पी अपॉन आर क्यू
माइनस आई कैप या वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू माइनस आई कैप, ये है इसका एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेटोरियल लाइन। अगर हमने दोनों को एक्सप्रेशन के कंपेयर करते हैं तो जो हमारा एक्सएल लाइन है वो, और अगर दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, दोनों देखो सेम टर्म्स है, बस किसका फर्क आएगा, मेन रूट की बात करेंगे तो टू का, तो दोनों का रेशो क्या आता है ट्वाइस। तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्सएल लाइन पे वो ट्वाइस होता है इक्वेटोरियल लाइन के, ठीक है ना। अब देखो इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, क्योंकि हमने वहां निकाला था कि डायपोल डायरेक्शन कहाँ थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ था अलॉन्ग डायपोल मूवमेंट्स। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि डायपोल की डायरेक्शन कहाँ पर है, ये माइनस आई में, तो आप देखो डायरेक्शन लिखते दोबारा बना सकते हैं इसको, तो माइनस क्यू और यहाँ पे क्या है प्लस क्यू, जो डायरेक्शन आ रही है वो कहाँ पे आ रही है कुछ इस तरह, तो दिस इज द एंटी पैरेलल, दैट्स क्लियर। डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, तो डायरेक्शन क्या आएगी एंटी पैरेलल टू पी, पी मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट्स। डायरेक्शन कहाँ आती है इक्वेटोरियल लाइन पर एंटी पैरेलल, और एक्सल पे कहाँ पे आती है उसकी अलोंग द एक्सियल लाइन या अलोंग द सेम एक्सिस, ओके। तो दिस वाज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें शेयर करें, ओके थैंक यू।